घाव ऑब्वियसली हम सबको कभी ना कभी हुआ ही है। हर किसी को कभी ना कभी चोट तो लगा ही होगा, कुछ नहीं तो छोटा मोटा खरोच तो आया ही होगा। अगर खरोच आया है तो वो भरा भी होगा। वो घाव जब भर रहा होता है तो कैसे हमसे बचपन में वो उखड़ जाती है, अच्छे से खरोच भरता भी नहीं है और घाव फिर से कच्चा हो जाता है, फिर से वो सूखता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कटा है तो ठीक होगा ही, ज़्यादा चोट आई है तो पट्टी बांध लेते हैं। लोग कहते हैं डॉक्टर पुट्स द बैंडेज बट गॉड हील्स, मतलब कि जिंदगी का जो विस्तार हुआ है धरती पे, तो ये जीवित पदार्थों के स्वभाव में है कि वो खुद को ठीक रखे, सेफ रखे। एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया बिना किसी नर्वस सिस्टम के कम से कम इतना तो जानता है कि किस चीज़ के तरफ जाना है और किस चीज़ से दूर हटना है। इसलिए आपके अंदर जो जिंदगी है उसकी पूरी कोशिश ही यही है कि आप जिंदा रहें, कोशिश ही नहीं उसका मकसद ही यही है। और इसलिए हम ध्यान ना भी दें तो हमारा शरीर खुद को हील करता रहता है। बहुत कुछ होता है हमारे अंदर जिसकी हमें खबर भी नहीं लगती है और वो ठीक हो जाता है। पहला डॉक्टर तो अपना शरीर ही है और सबसे सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर भी। और अगर हम ये जान सके कि क्या होता है हमारे अंदर, अगर हम ये समझ सके कि हमें ज़िंदा रखने में कितना कुछ होता है, कितनी पेचीदा और कितनी मेहनत लगती है, तो एक छोटे से खरोच के भरने पर भी आप ध्यान दोगे, वो भी हमें अद्भुत चीज़ ही लगेगी। तो क्या होता है जब घाव भरता है? इसे समझने से पहले हमें खून के संदर्भ में कुछ समझना होगा, क्योंकि घाव के भरने में भी खून का ही हाथ है। और इस वीडियो में हम बेसिकली खून के बारे में ही बात करेंगे। खून क्यों है हमारे अंदर और क्या है ये लाल तरल पदार्थ? खून जब हम देखते हैं या सोचते हैं तो एक नेगेटिव वाइब ही आता है। खून देख के बहुत कोई अच्छा नहीं फील करेगा। मीडिया में तो खून ही छाया रहता है, कहते हैं इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। खून से हमें लगती है चीज़ें सीरियस है। लवर भी अपना नाम लव लेटर पे खून से ही लिखता है, अपने सीरियसनेस को दिखाने के लिए। खून जुड़ाव का भी कारण है हमारे लिए, खून का रिश्ता। इंसान खून को चाहे जो भी माने, लेकिन वस्तुतः खून एक अलग ही चीज़ है, उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी है। हमें ज़िंदा रखने में खून का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो सिर्फ खून ही नहीं, कुल 30 ट्रिलियंस के करीब सेल्स हैं हमारे शरीर में। हम इस 30 ट्रिलियन सेल्स के कलेक्शन से बने हैं, या यूँ कहो इन खरबों सेल के भीड़ में हम प्रकट हुए हैं। हमें तो बस हमारे होने की भ्रांति है, वस्तुतः जो ज़िंदगी है वो इन सेल्स की ही है। वैसे सेल होता क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आप में वो सबसे छोटी से छोटी चीज़ जिसमें भी जिंदगी का लक्षण है वो सेल ही है। इट हैज़ ऑल्सो गॉट द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, इट इज़ अलाइव। या यूँ कहो कि पृथ्वी पर हर वो चीज़ जो जिंदा है, या तो वो एक सेल है या सेल्स का गुच्छा है। इधर इट इज़ सिंगल सेल्ड और कलेक्शन ऑफ सेल्स। हम कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल। द सेल इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट कैन बी सेड डेफिनेटिवली टू बी अलाइव। और ये जिंदगी का जो फैलाव है, जिंदा पदार्थ का जो बढ़ना है, वो इन सेल्स का ही बढ़ाव है। जब बीज से पौधा जमीन तोड़कर बाहर आता है तो वहाँ भी सेल्स ही बढ़ रहे हैं। माँ के कोख में जब जायगॉट एक सिंगल सेल 9 महीने में एक छोटी बच्ची बन के निकलती है तो वहाँ भी सेल्स ही मल्टीप्लाई हुए हैं। माँ के हाथ में एक सेल का गुच्छा ही होता है, हम सब भी वही हैं। और इन खरबों सेल्स में बहुत प्रकार है, लेकिन जो कॉमन सेल्स है जैसे मसल सेल, स्किन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, बोन सेल, हड्डी भी जिंदा है, इट इज़ नॉट ए डेड मटेरियल। हर टाइप की सेल किसी न किसी काम में स्पेशलाइज्ड होती है। खून भी एक ऐसा ही टाइप ऑफ सेल है इस शरीर में, जिसे हम कहते हैं ब्लड सेल्स। और ये बहुत ही कॉमन सेल है, ऑब्वियसली आप कहीं भी काटो खून आपको दिख ही जाएगा। और ब्लड सेल्स की भी अपनी स्पेशलाइजेशन है, उसकी अपनी खूबी है। ब्लड सेल्स में जो सबसे डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है उसके पास मोबिलिटी, मतलब कि बाकी सब सेल्स मोर और लेस एक जगह फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करते। उनका जो भी स्पेशलाइजेशन है वो जो भी करते हैं उसमें मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन नर्व सेल्स भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ब्रेन से कम्युनिकेट करता है, नर्व सेल्स खुद मूव नहीं करते। तो सारे सेल्स में सिर्फ ब्लड ही है जो पूरे शरीर में आता जाता है। ये जो हमारे शरीर में रगों का हाईवे बिछा है उसमें खून के आने जाने और दौड़ने के लिए ही बना है। लेकिन खून ऐसा करता क्या है जो हर जगह शरीर में आना जाना रहता है उसका? ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर इसे हम लॉकडाउन के जैसे देखें, जब सब अपने घर पे थे तो किस दो काम को चलने की अनुमति थी? एक एसेंशियल सर्विस और दूसरा पुलिस। और यही दो काम खून भी करता है, ब्लड सेल्स करते हैं। एसेंशियल मतलब खाना, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए भी एसेंशियल है। वेल, क्योंकि हम सांस लेते हैं और खाते ही हैं सेल्स के लिए, जो एक्चुअली सेल्स को चाहिए होता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इन चीज़ों को खून बाकी सेल्स तक पहुंचाता है। और दूसरा जो काम है खून का यानी ब्लड सेल्स का, वो है पुलिसिंग, मतलब कि बाकी सब सेल्स को सुरक्षित रखना, किसी भी खतरे से बचाना, जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये भी मोस्टली खून का ही डिपार्टमेंट है। ऑब्वियसली इन काम को अलग अलग तरह के सेल्स करते हैं, मतलब कि ब्लड सेल्स भी बहुत तरह के होते हैं।
जो एसेंशियल काम करता है, जैसे ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी सेल तक पहुंचाना, फिर CO2 को वापस सेल से लंग्स तक लाना, ये रेड ब्लड सेल्स करता है। रेड ब्लड सेल सबसे कॉमन सेल है खून में। दूसरी चीज़ जिससे खून बनी होती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ये कोई सेल नहीं है, इट इज़ नॉट अलाइव। वैसे तो ये 90% पानी होता है और बाकी ब्लड सेल्स इस लिक्विड में ही तैरते हुए मूव करते हैं, लेकिन प्लाज्मा सिर्फ पानी नहीं, इसके ही थ्रू बाकी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचती है। और तीसरी चीज़ है खून में इम्यून सेल्स। ऐसे इम्यून सेल्स और भी है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है वाइट ब्लड सेल। नाम वाइट है लेकिन है ये कलरलेस। रेड ब्लड सेल लाल होता है क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होती है, और इन तीन RBC, WBC और प्लाज्मा के मिलने से खून में लाल रंग आता है। और अगर रेड ब्लड सेल्स को निकाल दो खून से तो खून ऐसा दिखेगा, प्लाज्मा बियर के कलर का होता है। इसमें प्लाज्मा और इम्यून सेल्स हैं। इम्यून सेल्स का काम है बाकी सेल्स को सुरक्षित रखना, जैसे वाइट ब्लड सेल का पेट्रोलिंग करना, कोई फॉरेन एलिमेंट मिले, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई भी चीज़ जो इस शरीर का ना हो तो उससे वो छोड़ेगा नहीं। मतलब कि कुछ भी ऐसा जिससे शरीर को खतरा हो उससे वो लड़ता है, ख़त्म करता है। अगर अपने शरीर के सेल्स भी बिगड़ जाए तो उससे भी वो लड़ता है, जैसे कैंसर सेल्स। कभी कभी तो इम्यून सिस्टम खुद के शरीर को ही खतरा समझ के अटैक कर देता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में माँ को बीमार होने का खतरा होता है, इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तब ठंडा होता है। इनिशियल डेज में प्रेग्नेंट वुमेन अपने शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे उनका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। और ये इसलिए क्योंकि अगर इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स अगर फीटस को देखेगा तो छोड़ेगा नहीं। उसके लिए बच्चा भी फॉरेन सेल्स ही है जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। आगे भी प्रेगनेंसी में बच्चों को एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जहाँ माँ का खून उससे मिक्स नहीं होता, बस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सोखता है। सच तो यह है कि अगर माँ के शरीर को खुला छूट दे दी जाए, अगर एवोल्यूशन के थ्रू इतने लंबे समय में जो बच्चे को माँ के कोख में सुरक्षित रखने का प्रावधान हुआ है, अगर वो हटा दी जाए तो माँ का शरीर बच्चे को छोड़ेगा नहीं। प्रेगनेंसी इज़ ए बायोलॉजिकल वॉर। कोख में युद्ध ही चल रहा होता है दो शरीर के बीच, दो अलग अलग जान के बीच, क्योंकि माँ होना, ममता, ये सब दिमाग का किराया धरा है। शरीर के लिए तो बच्चा भी एक खतरा है जो इस बॉडी को हार्म कर रहा है। उसके लिए इम्यून सिस्टम को लो करो, अब बाकी सेल्स को रिस्क पे डाल रहे हो। शरीर के रिसोर्सेज को यूज़ करना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे शरीर के सेल्स टॉलरेट नहीं करेंगे। फीटस माँ के शरीर को हार्मोन्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सके, और माँ इसे काउंटर करती है अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करके। इट्स अ टग ऑफ वार बिटवीन टू डिफरेंट लाइफ। और आज मॉडर्न मेडिसिन के बावजूद हर दिन 800 औरत की जान जाती है प्रेगनेंसी से। इसलिए ये बात सही है कि एक माँ जब अपने बच्चे को पेट में रखती है तो वो बहुत कुछ सहती है, काफ़ी दिक्कतों को झेलती है। लेकिन ये भी सच है कि वो जो बच्चा उनके कोख में होता है वो एक अलग व्यक्ति है। सिर्फ इम्यून सेल्स के लिए ही नहीं, वस्तुतः हर एक बच्चा एक अलग इंडिविजुअल होता है। माँ बाप अपने बच्चे को पजेस नहीं करते, इट कम्स थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू। लेकिन जिस तरह से हम अपने बच्चों पर अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं थोपते हैं, हम उनसे उनके व्यक्ति, एक इंडिविजुअल होने का भी जगह छीन लेते हैं। इम्यून सेल स्पर्म सेल को भी एक नॉन सेल्फ के तौर पे ही देखता है, ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो यहाँ का है ही नहीं। अगर वाइट ब्लड सेल्स के कॉन्टैक्ट पे स्पर्म आ जाए तो वो अटैक कर देगा। इसलिए हमारे टेस्टिस में भी ब्लड बैरियर है। इवन लड़की का भी इम्यून सिस्टम आ रहे स्पर्म सेल्स को अटैक करता है, वो क्योंकि ज़्यादा पार्ट के लिए खून के कॉन्टैक्ट में आता नहीं है। वजाइना से होते हुए यूट्रस के थ्रू फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँचने में किसी डायरेक्टली एक्सपोज ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, वरना स्पर्म रेस विनर हमें कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं पहुंचता एक सेल के पास। इनफैक्ट फीमेल के इम्यून रिस्पांस को बहुत बढ़ा दी जाए तो स्पर्म सेल्स एक सेल के पास पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा। मतलब कि अगर लड़की का इम्यून रिस्पांस बढ़ जाए तो उसे प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स शूट एट साइट मोड में ही घूमता है, बस खबर लगे कि कुछ हुआ है, कोई है जो यहाँ का नहीं है, वो लोग बस टूट पड़ेंगे उस पे। लेकिन हर इम्यून सेल लड़ता नहीं है, एक सेल है जो मरम्मत भी करता है शरीर का, और ये रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के कंपेयर में बहुत छोटा है, और इसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये भी एक ब्लड सेल है, इम्यून सेल। अंदर जब भी कुछ इंजरी होता है, कहीं कटता फटता है, तो ये सेल ही उसे ठीक करते हैं। हमारे घाव को भी यही भरता है, खून को बहने से रोकता है, उसे क्लॉट करता है। हमारे छोटे मोटे खरोच को भी यही सुखाता है। डॉक्टर पुट्स द बैंडेज एंड इट इज़ द प्लेटलेट्स दैट हील। और एक एनिमे शो है हातारको साइबो सेल्स एट वर्क, जो ब्लड सेल्स पे ही बेस्ड है। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट शो। उसमें इन सेल्स को इंसान के तरह दिखाया गया है, जैसे वो इमोशंस के काबिल हो। मैं भी इस वीडियो में सेल्स के बारे में ऐसे बता रहा हूँ जैसे इन चीज़ों को करने में उनकी इच्छा हो, जैसे वो इच्छा रखने के काबिल हो, उनके पास भी मन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट प्रोग्राम्ड, वो बस करते हैं क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए वो जेनेटिकली कोडेड है। लेकिन जब किसी चीज़ को आप इंसान के तरीके से देखते हो, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एंथ्रोपोमोरफाइज करना, उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो, तो उस चीज़ को हम और भी आसान तरीके से समझ पाते हैं, खुद को उस जगह पर रख पाते हैं।
और इस शो में प्लेटलेट्स को ऐसे दिखाया गया, इतना क्यूट और मासूम दिखाया गया कि आपका दिल पिघल जाएगा। एक तो ये टाइनी ब्लड सेल्स होते हैं और इस शो में बच्चे के गैंग को प्लेटलेट्स के तौर पे दिखाया गया। इस शो को देखने के बाद आपको प्लेटलेट्स से प्यार हो जाएगा, इतना कि जब छोटा मोटा खरोच भी आपका भर रहा होगा तो वहाँ भी आपको प्लेटलेट्स ही दिखेंगी। आप ध्यान दोगे और अप्रिशिएट करोगे प्लेटलेट्स को, उनके मेहनत को, अपने बाकी ब्लड सेल्स को, अपने सारे के सारे 30 ट्रिलियन सेल्स का आप शुक्रिया अदा करोगे जो आपको ज़िंदा रखता है।